तैयार हुई है, एकदम मुंह में जाए और घुल जाए। हेलो फ्रेंड, खुशबू की रसोई में आज फिर से स्वागत है आपका। तो मैं आज लेके आई हूँ एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो कलर का अलग अलग कलर का बिस्किट ले लिया है। ये मैंने ओरियो बिस्किट को मिक्सी में पीस के बाउल में रख लिया है, और ये मैंने बॉर्नविटा बिस्किट को पीस के बाउल में रख लिया है। दोनों बिस्किट को चूरा बना लेंगे हम, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं कर दूंगी साइड में। ट्रे में बचे हुए ब्रेड को पानी से गूंथ लिया था, इसका डो तैयार कर लिया था, तो इसको अच्छे से मिसल लेना है आपको हाथों की मदद से। अब हम इसकी बहुत सुंदर सी, बहुत मज़ेदार, यूनिक बर्फ़ी तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने जो ये बॉर्नविटा बिस्किट का चूरा बनाया था, पहले हम इसमें इस डाल देंगे। फिर इसमें हमें थोड़ा चीनी ऐड कर देना है। बादाम ले लिया, इसको पतला पतला काट लिया था, तो इसमें हम डाल देंगे बादाम को अपने। अब इसको करना है मैश। आप इस बात का ध्यान रखना, आपको इसमें बिना पानी डाले मैश करना है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, तो इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें केवल ब्रेड में ही पानी डाल के मिसलना है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला ब्रेड। तो इसकी बहुत ही यूनिक तरीके बर्फी बन के तैयार होगी। इसको ना आपको उबालने की टेंशन, उबालना है ना पकाना है, झटपट बर्फी बन के हमारी तैयार होगी ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपना डो तैयार कर लिया है। अब हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, हैंड ऑयल, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ऑयल से ये चिप। मैं इसको फैला लेती हूँ हाथों की मदद से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने बर्फ़ी बनाने के लिए गोल सा लोई लेके टैप करके चपटा कर दिया है। आप किसी भी प्रकार का बना सकते हो, तो मैं गोल सा बना दी हूँ। अब इसमें हमने जो ओरियो बिस्किट चूरा रख रखा था, अब ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी बर्फ़ी में। कोई भी नहीं कहेगा कि ये ब्रेड और बिस्किट के चूरे से बर्फ़ी बनाया है हमने। फिर इसको फैलाना है। तो यहाँ पर मैं बादाम से गार्निश कर दूंगी अपनी मिठाई को। अब इसे 10 मिनट तक सेट करने के लिए फ्रिज पे रख दूंगी मैं। इसे निकाल लिया, ये हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसे। तो आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए कितनी मज़ेदार बर्फी बनके हमारी तैयार हुई है, एकदम मुंह में जाए और घुल जाए। तो आप भी बनाइए बची हुई ब्रेड से, बिस्किट से ऐसी बर्फी, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। तो आपको मेरी ये बर्फी की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।